जनाब आपने ये मास्क क्यों पहना हुआ है? ये मास्क आजकल मतलब ये जो H1N1 का वायरस जो फैला हुआ पूरा वैली में स्वाइन फ्लू का जो वायरस फैला इसीलिए मतलब ये हॉस्पिटल अथॉरिटी ने उन्होंने प्रोवाइड किया है अस्पताल में ये भी प्रोवाइड किया उन्होंने मगर बात यह है कि इसमें सुना है कि इसमें कुछ 2 घंटे का ये प्रोटेक्शन दे रही है बॉडी को तो 2 घंटे के बाद मतलब मुझे लगता है ये फिर बेकार है। इन्होंने यहाँ पे इशू किया है ये मास्क कौन से वाले मास्क? ये मास्क जिनके टोटल म्याद है इसका 2 घंटा मगर कोई गरीब है मतलब वो ये खरीद सकता है या किसी जगह इसको मिल सकता है मगर जो असली है जिसके मतलब दो महीने मतलब 8 घंटे जिसके हाँ मगर वो ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। अभी डॉक्टर साहब के पर्टिकुलर टाइप के मास्क होते हैं तो कौन से मास्क हैं वो? ये इसके लिए क्योंकि जो हम नॉर्मली यूज मास्क कर सकते हैं उसमें इतनी प्रोटेक्शन नहीं है तो N95 के नाम से इसमें कुछ मार्केट में मास्क आ सकते हैं जिससे प्रोटेक्शन जो है टाइम बेटर है एंड इट लास्ट फॉर 6 to 8 आवर्स फिर दोबारा से चेंज इशू हुई है एंड पीपल से कि इसका 8-8 घंटे का जो लेटेस्ट जो आया हुआ है 8 घंटे तक आदमी इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन चूँकि स्वाइन फ्लू के लिए उन्होंने स्पेशल टाइप ऑफ डिज़ाइन किए मास्क तो उसका कॉस्ट जो है वो अलग मार्केट में हो सकता है। वो सुना है उसके लिए कुछ 200 रुपये उनको पे करने होते हैं मतलब उस मास्क के लिए तो आप इसके लिए मतलब सजेशन हमारी है कि इस गवर्नमेंट को मतलब बड़ा सीरियसली लेना चाहिए ये बात दे शुड प्रोवाइड स्पेशल फंड्स टू द हॉस्पिटल अथॉरिटीज एंड दे शुड इशू टू द जनरल पब्लिक बड़ा क्वान्टिटीज टू प्रोटेक्ट पब्लिक लाइव्स। नहीं देखें इस बारे में यह है कि जो ज़्यादा सिक पेशेंट होता है वो तो कैटेगरी के हिसाब से होता है कहाँ पे रखना है उन पेशेंट्स की तरफ से मतलब सपोज कोई क्रिटिकल केयर में एडमिट है तो एक्सेस आम लोगों की तो वहाँ नहीं होती है जो जनरली जो पेशेंट्स होते हैं रूटीन वार्ड में तो उनमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हर एक को N95 मास्क पहनने की ज़रूरत है। हाँ जो ज़्यादा डील करते हैं स्टॉक मेडिकल का जो उनको डील करता है जो स्पेसिफिक कोई डील करेगा तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ ये जो मास्क है ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करें स्पेशली जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं पेशेंट्स हैं डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल स्टाफ हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला कश्मीर से मैं आबिद इंडिया अनहर्ड के